तो जिस तरह से आपने अभी बोला दिवात्मा कि अभी मतलब यूट्यूब का काफी ये चल रहा है, क्योंकि अभी सबका चैनल हो गया और आपने भी ऐसा सोचा, तो आप दोनों से जाना चाहोगे, म्यूजिक एल्बम सॉन्ग का काफी ट्रेंड चल रहा है और आप दोनों भी लेकर आए फाइनली ऑडियंस के लिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे म्यूजिक एल्बम सॉन्ग को लेकर? म्यूजिक एल्बम सॉन्ग लेकर आपकी ओपिनियन क्या है? Not because ये बहुत trending पे चल रहा है, but I just wanted to sing and आप कहीं भी कभी भी like ask me to sing I have to start. This is how I love singing. My love for singing motivated me to start my own YouTube channel like this. And yes, आज के most of the artists you can see, most of the artists you can see they are trying to start up something on their own. So that's a very nice and positive thing. And YouTube is like very open to all. You can just start up your own thing. If you have that thing in you, you wanna just show it to people and just let it out. So yeah, that's the best platform, I guess. Anand, what do you want to say? I think rolling with the trend is good, but at the same time, I think content, सबसे ज़्यादा challenging होता है और सबसे ज़्यादा आप अलग कर सकते हैं म्यूजिक में, आपको एक लिमिटेशन नहीं होती, वो वेरी ड्रामेटिक, वो उसकी खूबसूरती होती है। एंड आई एम ग्लैड, एक वक्त था लाइक मैं आगे थी जो इतना अच्छा डायरेक्टर थे म्यूजिक वीडियो, उनसे भी बात कर रहा था कि उनका वक्त वापस आ गया, क्योंकि म्यूजिक वीडियो का दौर वापस आ गया, यू नो, सो इट्स बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड, जो रेज होता था So that rage, that excitement has happened, and artists are so talented now to achieve what we done. They can go be applying to these platform like that. अच्छा content बनाएंगे तो उनको likes मिलेंगे और it's very black and white. अगर अच्छा होगा, people will appreciate it, watch it. If not, then you need to read something. So I think it's very black and white, and I think it's very very. आप दोनों के लिए तो आज बड़ा दिन होगा ही, और आपके फैंस के लिए जो साथी फैंस है, देवी फैंस है, उनके लिए भी आज बहुत ही खुशी का दिन है कि फाइनली आपका सॉन्ग आ गया। सो आप दोनों से और जानना चाहूंगी कि क्या साथ में फिर से देखने वाले सॉन्ग के बाद भी साथ में देखने वाले हैं कि दे वी हैव रिसेंटली डन अ म्यूजिक वीडियो फॉर वी लाइक एंड बाकी और कुछ अगर ट्रैक करना हो तो शायद इंडिया तक पहुँच रहा तो अदरवाइज है कुछ चीज़ें हैं टू रिलीज स्पीड और आप एक्टिंग करते हैं बहुत ही ज्यादा ऑडियंस को वो भाती है, आपसे जानना चाहूंगी इस बार जो डायरेक्शन क्या है आपने, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, कौन सा फीलिंग बेटर है एक्टिंग का या फिर डायरेक्शन का? जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तो मैं एक्शन भी बोल रहा था, फिर जाके खुद ही एक्शन कर रहा था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था कुछ वक्त तक, बट वी हैड टू ओवरकम दैट, पता नहीं था जिस तो प्रोडक्शन भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, डायरेक्शन इज गुड बिकॉज वो लंबा एक कमिटमेंट होता है, बस ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एक्टिंग से ज़्यादा स्ट्रेस मुझे लगा कि डायरेक्शन है, लेकिन दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, दोनों ही मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सेल करूँ, बट एक्टिंग इज वॉट प्राइमरी अगर कॉन्सेंट्रेट हूँ ना, डायरेक्शन कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग चीज़ कुछ करने को मिले तो ऐसा एक्टिंग इज सो इस गाने की शूटिंग के दौरान क्या